लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल पर। इन्फॉर्मेशन ही नहीं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। हेलो दोस्तों, जैसे आप सबको पता होगा कि KRK के ऊपर सलमान भाई ने डिफेमेशन का केस किया है। पहले मैं आपको डिफेमेशन के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसकी रेपुटेशन खराब करने के या उसकी प्रसिद्धि को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग करता है या ऐसी कोई चीज़ लिखता है या बोलता है जिससे उस व्यक्ति की रेपुटेशन को नुकसान पहुँचे, ये मानहानि की कोटि में आता है। दोस्तों, आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट में करते हो, फेयर यूज़ में करते हो, और आपका इंटेंशन किसी को नीचा दिखाने का नहीं होता। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने किसी कंपनी का मोबाइल ख़रीदा, उसके अंदर जो खामियां हैं उसे आप बताते हो, तो आपका इंटेंशन क्या है? वो उसकी खामियों को लोगों तक पहुँचाना। और आपका इंटेंशन क्या है? ये जो खामी है उसको देखते हुए आपको वो चीज़ लेना है तो लो, ये फेयर है। अब बात आती है, अगर सलमान खान की मूवी राधे KRK ने देखी तो वो उसे क्रिटिसाइज कर सकता है। अगर क्रिटिसाइज के आगे चले जाएगा तो वो मानहानि की कोटि में आता है। चलिए जानते हैं कि KRK पर सलमान खान ने क्यों मानहानि का केस किया है। सलमान खान की DSK लीगल टीम ने ये क्लियर किया है कि राधे के रिव्यू के कारण मानहानि का केस नहीं किया है, बल्कि KRK पिछले काफ़ी टाइम से सलमान खान को ट्विटर पे फ्रॉड बुला रहा है और यह भी कह रहा है कि ये जो बिंग वुमन है वो मनी लॉन्ड्रिंग और मैनिपुलेशन जैसे फ्रॉड करता है। इसी वजह से सलमान खान ने KRK के अगेंस्ट मानहानि का केस करने का फैसला किया। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये पूरे वाक्य में आपका क्या कहना है। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर